सारा कर देना एक बार चालू हो जाए तो। सभी मित्रों को नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह कविया आपके अपने यूट्यूब चैनल डागुर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कल की कक्षा में थोड़ा विद्युत का थोड़ा गड़बड़ी रही, उस वजह से आपकी कक्षा बीच में स्थगित करनी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आएगा मित्रों जो शेष रही जानकारियाँ उनको आज प्राप्त करते हैं, आनंद मस्ती के साथ, हंसी मस्ती के साथ आएगा आपका ज्ञानवर्धन करते हैं और एक घंटा ऐसे बिताएंगे आनंद मस्ती के साथ। मस्ती की पाठशाला होगी जिसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ अपन देखिए एक बार सभी से नमस्कार करते हैं। राहुल सिंह गणिघम्मा, राकेश कुमार नमस्कार, अनीता कुमावत सर जी नमस्कार, राहुल सिंह गुड आफ्टरनून, सुमेर सिंह सैनी राम राम, सुनील विश्नोई गुड आफ्टरनून, सुमेर राम राम, कानाराम यादव आज वो नहीं लिखेगा, आरपी बैच नंबर 8 है कानाराम, वेलकम नमस्कार, मिस्टर विजय राम राम, हेमलता जीनकर नमस्कार, सवाई माधोपुर वालों नमस्कार, नीलम सैनी रामोई राम, मास्टर जी रामोई राम, रामोई राम राम राम। ये कमल शर्मा कह रहा है गज्जू का राम राम, और गुरुजी वो आपके घरवाली शोले फिल्म की लव स्टोरी रात वाली बसंती, इस कुत्ते के सामने मत नाचना ना बेटा, यहाँ नहीं होता वो। पूजा नू नमस्ते, मनीषा मेहरा नमस्कार, अंकिता लबाना, कृष्णा सिरोही, आर के शर्मा, तेजपाल सिंह जाट, प्रियंका परमार नमस्कार, यू प्रजापति राम राम, सुमेर बहुत राम राम करता है यार तुम, हाँ काना राम अब बिल्कुल सही लिख दिया RP8, काका राम राम, राम राम रे बेटा कमल बेटा राम राम। सुनील विश्नोई SI बैच नंबर 4 से नमस्कार बेटा सुनील। राहुल सिंह मस्ती का आनंद आपकी क्लास में बहुत, बिल्कुल ये तो है ही, गजेंद्र का पर्यायवाची शब्द है आनंद और मस्ती। मंगल बेनीवाल राम राम, दिनेश प्रजापति खमा गणे गणे खमा भाई, सूर्य प्रकाश कमल, दीपक नागोरा, मजा आ गया, अभी तो मजा आएगा, अभी तो आगे आगे देखो। विनीता परमार प्रणाम नमस्कार, क्या यार गजब आई डी बना रखी यार तेरा थानेदार, राम राम यार तेरा थानेदार, बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर सारी बधाइयाँ। रविंद्र सिंह राम राम भाई, रविंद्र सिंह कमल भाई मस्ती, तेजपाल सिंह जाट RP राजस्थान पुलिस बैच नंबर 10, तेजपाल सिंह बहुत बढ़िया। अंकित लबाना सर आपकी याद आ रही है, मेरे को भी बेटा तेरी याद आ रही है, आजा जयपुर आजा मिलते हैं दोनों, मिल बैठते तीन यार आप मैं और, अच्छा कमल डिलीट भी कर रहा है साथ साथ मैसेज हैं। परी चौधरी कह रही है राम 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 बेटा, ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा आशीर्वाद, ओजस्विनी तेजस्विनी मनस्विनी भवे। प्रदीप शर्मा राम राम साहब राम राम भाई, कपिल कुमार कह रहा राम 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 राम, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं शुभेच्छाएं। और ये जो समय है इस समय आप सभी हमसे दूर हैं, कोचिंगों से दूर हैं, आपका उद्देश्य प्राप्त करने में ये जो ये कोरोना है ये बहुत बड़ी रुकावट बन के आ रहा है, लेकिन इस रुकावट को हम सुविधा में बदलेंगे और दूर दराज अपने अपने क्षेत्र में बैठे अपने अपने गुदड़ी में बैठे बैठे अपन अपनी सफलता की इबारत लिखेंगे और सिद्ध करेंगे कि गुदड़ी के लाल भी किसी प्रकार कम नहीं होते। और कभी भी आप देखा करो, हमेशा जब टॉपर्स का रिजल्ट आता है तो टॉपर्स जो होते हैं सारे गुदड़ी के लाल ही होते हैं, और इस समय आप वाकई में सब गुदड़ी के लाल सिद्ध हो रहे हो, अपने अपने गुदड़ी में बैठे बैठे अध्ययन कर रहे हो। सर वीडियो की प्लेलिस्ट डल नहीं रही, डल जाएगी गुरुजी आपकी, पतासी LDC बन गई, अरे वाह पतासी शुभकामनाएं आशीर्वाद बेटा, पतासी बेटी तो बहुत लाडली थी हैं, तेरे को गुस्सा तो बहुत आता था उस टाइम, मेरे को पतासी कैसे बोलते हैं। गुरुजी ससुराल कब आ रहे हो, जब बेटा एक गीत सुनाऊंगा, एक बार आओ जी जमाई जी पावना, थाने सुसरो जी बुलावे घर आवे जमाई लाड कराम, मना कर देता है, थाने सासू जी बुलावे घर आवे जमाई लाड कराम, मना साला बुला रहा तुम ना, साला इली बुला रही तुम ना, और थाने लाडी जी बुलावे है जी आज जमाई लाड करा, और सट हाँ कर देता है, और तो लाडी जी बुलाएगी तब ससुराल आएंगे हैं। शिवम पारिक प्रणाम नमस्ते पंडित जी, ये पंडित जी लड़की है लड़का नहीं है, फिर कहेगी सर मैं पंडित जी का लड़का नहीं हूँ लड़की हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं यार। थानेदार शिक्षा सर नमस्ते, बैच नंबर 15, आप जयपुर में कहाँ रहते हो, हम आपके दिल में रहते हैं,
सर वीडियो की प्लेलिस्ट डल नहीं रही है, 3 ही वीडियो डाल रखी है, मैं आज ही बोल दूंगा मैनेजमेंट को कि सही डालें। हेमलता जीनगर हंस रही है मुंह के हाथ लगाकर, यार थानेदार राहुल भाई थैंक यू, बाबा गुड आफ्टरनून जी, सूर्य प्रकाश गोगा सर, SI4 की 11 लाइव हैं सर, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। SI थानेदार वाले बैच के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे थे, मेरा सबसे फेवरेट बैच रहा, और वाकई में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आभार, आइएगा। कल लाइट बीच में जाने की वजह से आयल, ये राहुल सिंह, हाँ ये पंडित जी का लड़का है, थैंक यू। राजेश कुमार बैरवा गुड आफ्टरनून बेटा, पंडित जी हंस रहे हैं, चलो गुरु जी शाहपुरा आ जाओ, शाहपुरा आएंगे बेटा, तो जुआरी तैयार रख। निधि धाकड़ नमस्ते बेटा, आइए आइए आइए। कृष्णा सिरोही नमस्ते, सुनील जी सर। अब एक बार आप मैसेज कर, क्या बोलते, कमेंट करना रुक जाओ, तो मैं पढ़ाना चालू कर दूं, और लास्ट में मैं पढ़ाते 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 कहूंगा कि अब मैं आपका नाम लूं, उस टाइम आप मैसेज करना। मॉर्निंग 9 से कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं हम, वेरी गुड राहुल सिंह। कौन है शाहपुरा का? शाहपुरा की मेरी लुगाई है बेटा, संतोष दूधी, नीलम नीलम डी नमस्कार, संतोष दूधी, ललित जाट राजा, गोलू मीना। अब गोलू भाई अब रुक जाओ आप, तो मैं पढ़ाना चालू करूं। दिनेश कुमार बैरवा, संतोष आप रुकें रुकें, कमेंट ना करें, मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच में बोलूंगा कि आप कुछ जवाब दीजिए, उस समय आप बोलना मुझे मिलवाना। अच्छा मेरी लुगाई से तेरे को मिलवा दूंगा, मतलब मेरा गृहस्थी नहीं बिगाड़नी मेरे को, हैं कमल, संतोष, गुरुजी आपने DD राजस्थान छोड़ दिया क्या बेटा? छोड़ की स्पेलिंग शुद्ध लिख, नहीं छोड़ा मैंने, अभी भी मैं वहीं DD राजस्थान TV चैनल में एंकर हूँ। कमल नमस्कार, स्टार करो सर, यार थानेदार, शाहपुरा कौन सा, भीलवाड़ा या जयपुर, जयपुर वाला? संतोष हंसरा है, गोलू मीणा ओके, ठीक है अब रुक जाओ आप, मैं आपका नाम लूंगा, अब आप रुक जाओगे तो लवली डियर सभी को नमस्कार, अब अपन पढ़ते हैं बेटा, आइए। शायद जीन माता के बारे में जो जानकारियां मुझे आप तक प्रेषित करनी थी वो मैंने जानकारियां प्रेषित कर दी थी, और अब जीन माता के बारे में कोई जानकारियां विशेष रही नहीं है। वो दीपक जलता है, उसकी काजल बनती है इसलिए उसे काजल शिखर कहते हैं, उसका तेल कहाँ से आता है, वो दीपक किसने चढ़ाया, और जो हर्ष पहाड़ी पर जो बना हुआ है हर्षनाथ भैरव का मंदिर भाई। अच्छा हर्ष की बात आई तो एक बात साथ में बता देता हूं, हर्ष हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत सीकर जिले में है, कहां पर है? सीकर जिले में। यहां पर ध्यान देना, 2 मंदिर हैं, एक है हर्षनाथ महादेव, हर्षनाथ महादेव का शिव मंदिर है, और इसी पर्वत पर जो दूसरा मंदिर है वो किसका है? हर्षनाथ भैरू जी, हर्षनाथ भैरू जी, और इसी हर्ष पर्वत पर एक समाधि बनी हुई है प्रसिद्ध संत की, और जिस संत की समाधि है, मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहता हूं आप ये बताएं कि हर्ष पर्वत पर ये 2 मंदिर हैं और एक प्रसिद्ध संत की समाधि है जो गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य था और अफगानिस्तान का बादशाह था, मुसलमान था, और बाद में वह हिंदू धर्म अपना लेता है और भगवान शिव का भक्त बन जाता है, भगवान शिव की तपस्या करता है हर्षनाथ महादेव पर। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि यहां पर हर्ष पर्वत पर किसकी समाधि है, एक बार ये जरूर बताएं आप। गोलू लवली, मनीषा मेहरा नमस्कार, राजेंद्र कुमार, मुकेश कुमार गुर्जर नमस्कार, दिनेश मकवाना सर नमस्कार, हरपुल सैनी जयराम जी की नमस्ते, राहुल लवली जी अब क्लास में ध्यान दो, बिल्कुल सही कह रहा है राहुल सिंह, ओके ओके ओके। समाधि 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 बताइए किसकी है, कोई बताएगा? है कोई माइका लाल? मैंने 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 पिछले जिन बेचों में मैंने पढ़ाया है वो बताई है, यहां पर एक समाधि है जो किसकी है? हांडी भड़ंगनाथ की, हांडी भड़ंगनाथ जी, और इस हांडी भड़ंगनाथ जी को एक नाम से और जानते हैं,
वह नाम है बलक बुखारा का बादशाह। बलक बुखारा का बादशाह, बताइए बलक बुखारा का बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? हांडी भड़ंगनाथ को। ये जो अंत में एक शब्द लगा हुआ है नाथ, इसी से स्पष्ट हो गया कि हांडी भड़ंगनाथ जी जिस संप्रदाय के थे वो संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय है। यानी कि ये नाथ संप्रदाय के थे और किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के शिष्य। आपने देखा यार नाम भी बड़ा अटपटा, हांडी भड़ंगनाथ, दूसरा नाम है इनका बलक बुखारा का बादशाह। रियल में बलक बुखारा एक जगह है अफगानिस्तान में। ये बलक बुखारा का बादशाह था, बलक बुखारा का राजा था। एक कह रहा है क्लास में ध्यान दो के राहुल सर हर्ष की बहन की गलत, सर आप मौसम अच्छा बना रहे हो गुरुदेव, क्या बात है, क्लास में ही बताया आपने, कभी भी क्लास में नहीं बताया आपने गोलू मीणा, आपने पूछा नहीं होगा, हो सकता है छोटे पुलिस के पटवारी के बेच में नहीं बताया हो, आरएस के बेच में जब पढ़ाते हैं, एसआई के बेच में जब पढ़ाते हैं तो ऐसी बातें बताई जाती हैं। बलक बुखारा अफगानिस्तान में वहां का बादशाह था, उस बादशाह मोहम्मद शाह नाम था उसका, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का शासक था। एक दिन दोपहर के समय दरबार के काम से थका हुआ था, उसने अपनी एक दासी को कहा कि जा मेरा पलंग लगा। दासी महल में जाकर के केवड़ा मोगरा चमेली चंपा गुलाब के फूलों का सेज पलंग बिछाती है बादशाह के लिए, और उस पलंग को देखा इतना सुंदर इतना खुशबूदार पलंग, दासी ने सोचा कि पता नहीं बादशाह को इस पलंग पर सोकर कितना आनंद आता होगा। बादशाह आने में भी 5-4 मिनट बाकी, 1 मिनट में सो के देखती उस पलंग पे कितना मजा आता है। इतना सोच करके वो पलंग पर सोई, इतना नरम इतना सुगंधित इतना मस्त वो पलंग था कि सोते ही दासी को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद में जब बादशाह वहां पर पहुंचा, देखा कि बादशाह के पलंग पर दासी सो रही है, बादशाह उसका हाथ पकड़ के घसीटता हुआ दरबार में ले गया, जल्लादों को बुलाया और जल्लादों को आदेश दिया कि नापाक दासी को 100 कोड़ों की सजा दी जाए, इसको निर्वस्त्र करो और 100 कोड़ों से पीटो। जब कोड़े पड़ने लगे दासी चिल्लाने लगी, 50 कोड़े पड़े तब तक दासी चिल्लाती रही, और जैसे ही 51वां कोड़ा पड़ा और दासी जोर से हंसने लगी, 52वां पड़ा और जोर से, 53वां कोड़ा पड़ा और जोर से, 51 से लेकर 100 कोड़ों तक वो जोर जोर से हंसती रही। बादशाह और पूरे दरबारी और जल्लाद आश्चर्य में आ गए कि यार इसके कोड़े पड़ रहे हैं, पहले 50 कोड़े पड़े तब तक रो रही थी, अब हंस रही है। उसे पूछा गया कि हे दासी तू 50 कोड़ों तक रोई बाद में हंसी क्यों? तो दासी ने एक ऐसा मार्मिक जवाब दिया साहब, और उसी ने उस मोहम्मद शाह का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने कहा कि हे बादशाह मुझे केवल 2 मिनट सोने की सजा, 100 कोड़े मिले हैं, तू तो पूरी जिंदगी पूरी रातें इसी पलंग पर सोता है, मैं तो तुझे सजा नहीं दे सकती, लेकिन जब वो खुदा तुझे सजा देगा, इस पलंग पर सोने की 100 कोड़े सजा हो सकती है, तो इस पलंग पर सोने की हे बादशाह खुदा ना जाने तुझे क्या सजा देगा। और इतना सुनते ही बादशाह का हृदय परिवर्तन, वहीं से संन्यास लेकर उस पलंग पर सोने का जो पाप था उससे मुक्ति के लिए वो निकल पड़ता है। और लंबी घटना है, मैं कहानी क्या बताऊं, मैं कहानी बताने लग जाऊं तो घंटा भर इसमें लगेगा, और आखिर में गोरखनाथ जी से मिलता है, गोरखनाथ जी कैसे गले में हांडी लटकाते हैं, कभी ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे तो पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको। और फिर उस प्रकार वो उनका शिष्य बनता है, और इन्हीं के प्रसिद्ध शिष्य होते हैं सिद्ध अलूनाथ जी, जिन्हें बाप जी के नाम से जाना जाता है। सिद्ध अलूनाथ जी बाप जी महाराज की समाधि नागौर में कुचामण के पास जसराणा गांव है वहां पर है। और सिद्ध अलूनाथ जी के जो गुरु थे वो हांडी भड़ंगनाथ जी थे, जिनको बलक बुखारा का बादशाह भी कहते हैं। और ये बलक बुखारा का बादशाह या हांडी भड़ंगनाथ जी थे जो गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इनकी समाधि कहाँ पर है? हर्ष पर्वत पर। अब बात आती है साहब हर्षनाथ महादेव की, आएगा इनके बारे में, जैसे हांडी भड़ंगनाथ जी के बारे में बात की, एक बार आप कमेंट करना रुक जाओ तो मेरा मन करता है बार बार यार कोई बच्चा छूट नहीं जाए नाराज नहीं हो जाए, इसलिए रुक जाओगे तो मैं बढ़ाऊंगा नहीं, बार बार इधर आके आपका नाम लेता रहूंगा। हेमलता जांगिड़ केरी नमस्ते, नेवरी सर जो जोरदार पढ़ाओ सर, धन्यवाद धन्य हुए थैंक यू। बाईसा प्रियंका राजपूत करिए गुरु रस के आरएएस के बेच में भी नहीं बताए ये तो भाई फूटा करम फकीर कार भरी चिलम डुल जाए। वैसे कह थारा कोई या कोई मारे भूल में होगी वैसी, या फिर वैसे कह के तो कोई थारी किस्मत को नहीं कि मैं बतावा सो बच गो। हंसराज कह मीणा कह रहा नहीं बताया, कोई बात नहीं माफी चाहता हूँ। जितेश सुंडा
राजेश कुमार बेरवा सर, नीलम नई सर जी बेच में भी नहीं, सॉरी माफी चाहता हूँ, सागर सिंह, मनोज प्रजापत, मुकेश कुमार गुजर सर, पुलिस बैच नंबर 9 में नहीं पढ़ा था पुलिस में बेटा, ऐसी बातें। कांता सैनी नमस्ते, सागर सैनी बेटा देख किस दे रहा है, थैंक यू बेटा। महेंद्र बुगालिया राम राम भाई, मनीष जांगिड़ हाय नमस्कार, राजेंद्र कुमार, राकेश कुमावत, ऋषिकेश जाट नमस्कार, कैलाश बलाई और राजकुमार जाट सभी को नमस्कार, कैलाश भाई राम 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 राम। आइएगा बात चलती है अब हर्षनाथ महादेव की, बात करते हैं। चौहान वंश की जब बात होती है, चौहान कह दो, चौहानों का जो आदि पुरुष था वासुदेव चौहान या वासुदेव चहमान, जिसने साकंबरी या जो साकंबर है या सांबर है वहां पर चौहानों का साम्राज्य स्थापित किया, उनकी जो कुलदेवी है वो जो है साकंबरी माता है। और याद रखना चौहानों के किनके, चौहान राजपूत है ना, उन चौहानों के आराध्य देव, चौहान वंश के राजपूतों के आराध्य देव कौन है, हर्षनाथ महादेव। इनकी बात दोबारा लिख लेंगे बाद में अपन और कर लेंगे। चौहानों के आराध्य देव हैं हर्षनाथ महादेव। हर्षनाथ महादेव का मंदिर है हर्षनाथ, हर्ष की पहाड़ी पर। और याद रखना इस मंदिर का अगर पूछ लिया जाए कि हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माता है वो निर्माता कौन था, तो इसका जो निर्माता था वो निर्माता था एक भक्त जिसका नाम था भावरक्त। भावरक्त नाम का एक साधु सन्यासी था, उसने निर्माण करवाया था। और ये निर्माण किसके समय करवाया, विग्रहराज पहाड़ी पर। ये हर्षनाथ महादेव का जो मंदिर बना हुआ है ये बना है महामेरु शैली में। कौन सी शैली में बना है साहब, महामेरु शैली में। और मित्रों याद रखना ये इतना अद्भुत मंदिर था, इतना अद्भुत मंदिर। अब इस हर्षनाथ मंदिर में से अगर कुछ शेष बचा है, केवल एक चीज शेष है, वो क्या है, नंदी की प्रतिमा। नंदी की प्रतिमा शेष बची है, बाकी सारे मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ दिया। जब जीण माता की बात आई तो मैंने बताया था जीण माता के मंदिर को तोड़ने हर्ष आया तो मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। उससे पहले वो आया था हर्ष पर्वत पर और उसने हर्षनाथ महादेव के मंदिर को तोड़ा। आप में से यदि कोई सीकर के हर्षनाथ महादेव मंदिर गया है, यानी कि हर्ष पहाड़ी पर गया है, तो आज जाकर के अगर वो कला और स्थापत्य का प्रेमी है तो साहब हर्ष पर्वत पर जाकर वो रोएगा। अगर वो सनातन संस्कृति का प्रेमी है तो उस पहाड़ी पर जाकर रोएगा, उन खंडरों को देखकर, उन प्रस्तर खंडों को देखकर, जिसका एक खंबा हम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाएं तो वैसा खंबा नहीं बनवा सकते। इतना स्थापत्य का अद्भुत नमूना उस औरंगजेब ने तोड़ के चूर चूर कर दिया, पूरा मंदिर तोड़ दिया गया। उसमें से केवल एक चीज शेष बची है, नंदी भगवान की प्रतिमा, जो भगवान शिव के वाहन है, जो बैल है उनकी प्रतिमा, वो की वो है। अब साहब जब इस मंदिर का जब तोड़ दिया गया, अब ये मंदिर वर्तमान में फिर बना हुआ है और इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया। वर्तमान में जो असली मंदिर था खंडित शिवलिंग, उसका आज भी वहीं रखा हुआ, उसके पूरे भग्नावशेष वहीं बिखरे पड़े हैं और वो तोड़ दिया गया जो भावरक्त ने बनवाया था। इसको वर्तमान में एक वहां पर दोबारा हर्षनाथ महादेव का मंदिर बना दिया गया। आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि ये हर्षनाथ महादेव के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया। आग्रह करता हूं एक बार कमेंट कीजिए, देखें आप। राहुल विक्रम बाईसा, रमेश खोकर, संतोष जूडी, हेमलता, सागर सिंह, महेंद्र भाकल, ओनली सिंसिनवार, प्रमोद क्या बात है, जय जय राजस्थान, दिनेश मकवाना कर, वाह, चेट डिसकनेक्टेड प्लीज वेट, विल वी ट्राई टू डिसकनेक्टेड यू अनेबल टू कनेक्ट टू चेट। चलो ठीक ही, अच्छा रहा। याद रखना इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था राव राजा देवी सिंह ने।
अब ये बताइए, राव राजा देवी सिंह कहां के राजा थे जिन्होंने इस हर्षनाथ महादेव के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया? ये राव राजा देवी सिंह थे सीकर के राजा। कहां के राजा थे? सीकर के राजा राव राजा देवी सिंह ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। पहले विग्रहराज प्रथम के समय भावरक्त ने इसका निर्माण करवाया था, जिसे तोड़ दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। पूरा मंदिर खंडित है, टूट गया है, शिवलिंग भी वो खंडित ही है, वहां पर उसकी पूजा नहीं होती। पुनः दूसरा शिवलिंग और दूसरा मंदिर जो बनाया वो सीकर के राव राजा देवी सिंह ने बनाया। किसने बनाया? राव राजा देवी सिंह ने, जो आज भी हर्ष पर्वत पर है। और यहीं पर जीण माता के छोटे भाई हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर भी है, जिसका जीण माता के मंदिर ने जो निर्माण करवाया था वही उसने हर्षनाथ महादेव हर्षनाथ भैरू जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और वो था हट्टड़ चौहान। कौन था? हट्टड़ चौहान। हट्टड़ चौहान ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया विग्रहराज प्रथम के समय भावरक्त नाम के। अच्छा, एक बात और चलती है यहां पर। अगर बात आ जाए, अपन ने पहले भी बात करी थी, हिंदू धर्म में जो भक्त होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, शिव, शाक्त, वैष्णव। अगर पूछ ली जाए सीकर के हर्ष पर्वत पर स्थित हर्षनाथ महादेव मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? हर्षनाथ महादेव मंदिर का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है? तो कौन सा संप्रदाय बताओगे? वो संप्रदाय जो एकलिंगनाथ महादेव मंदिर, जिसकी प्रधान पीठ है कैलाशपुरी उदयपुर में, एकलिंगनाथ महादेव का मंदिर है और वो जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है उस संप्रदाय का नाम है लकुलीस। कौन सा संप्रदाय? लकुलीस भी कहते हैं उसे और पाशुपत भी कहते हैं। लकुलीस या पाशुपत संप्रदाय के राजस्थान में तीन मंदिर हैं, जिनमें प्रधान मंदिर है, प्रधान पीठ है, वो है एकलिंग जी। एकलिंग जी मंदिर जो कैलाशपुरी उदयपुर में है, दूसरा मंदिर है हर्षनाथ महादेव का मंदिर जो सीकर की हर्ष पहाड़ी पर है, और इसका तीसरा मंदिर और है वो कहां पर है? सुंदा पर्वत पर। सुंदा पर्वत कहां पर है? सिरोही। सुंदा पर्वत जालोर। ये सारे के सारे तीनों मंदिर जिस संप्रदाय से संबंधित है वो कौन सा है? लकुलीस या पाशुपत संप्रदाय। लेकिन लकुलीस या पाशुपत संप्रदाय की यदि प्रधान पीठ पूछी जाए तो अपने को बताना एकलिंग जी महादेव का मंदिर जो कहां पर है? कैलाशपुरी गांव, जिला उदयपुर, जिस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने कराया था। और आज भी मेवाड़ के राजा जो होते हैं अपने आप को मेवाड़ का शासक नहीं मानते, मेवाड़ का राजा नहीं मानते, एकलिंग जी को ही मेवाड़ का राजा मानते हैं और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। ये बात रही जीण माता और जीण माता के इर्द गिर्द बिखरे हुए इतिहास की। और मित्रों, आइए आगे और पढ़ते हैं। आप कमेंट कर दीजिए आप कौन सी देवी पढ़ना चाहते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली देवी पढ़ाऊंगा, जो भी देवी आपकी इच्छा हो कि सर ये हमारी कुल देवी, इनके बारे में पढ़ाएं। पर कमेंट आई नहीं रही, नीचे दो लाइनें सी आ रही हैं। कोई बात नहीं, आइए आगे पढ़ते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। मित्रों, आज पढ़ते हैं हम शीला देवी। अरे सांगानेर को सांगो बाबू जयपुर को हनुमान, सांगानेर को सांगो बाबू जयपुर को हनुमान, अरे आमेर की शिला देवी लायो राजा मान। तो राजा मान जिस शिला देवी को लेके आया आएगा उसी शिला देवी के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करते हैं, विस्तार से उनके बारे में पढ़ते हैं। शिला देवी है साहब कछुआ है राजपूतों की, कछुआ है राजपूत वंश की आराध्य देवी। आराध्य देवी कह दो चाहे इष्ट देवी कह दो। अब बात यहां आती है कि ये कछुआ है राजवंश की इष्ट देवी है, तो ये कछुआ है राजवंश कौन सा है? मैं शाखाएं लिख रहा हूं,
इसकी जो शाखाएं, इन सभी शाखाएं हैं उनकी इष्ट देवी कौन कौन, जैसे शेखावत, शेखावत, राघव, नाथावत, खंगारोत, खंगारोत, राजावत, शेखावत, राघव, राघव, नाथावत, खंगारोत, राघव, ये जो सारी शाखाएं हैं ये कौन से वंश की है साहब? कछवा वंश की है, जिन्होंने जयपुर के आसपास के इस भूभाग में और शेखावाटी क्षेत्र में राज किया। इन सभी वंशों की, जैसे शेखावत आ गया, एक आता है इसमें नरू का, नरू का, नरू का राजपूत है जो ढूंढाड़ क्षेत्र में रहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र के जो नरुका हैं, उनकी आराध्य देवी तो हैं शिला देवी, और जो मेवात क्षेत्र में रहते हैं, अलवर क्षेत्र में रहते हैं, मैंने पहले भी बताया होगा जब करणी माता पढ़ाया, तो करणी माता अलवर रियासत के जो नरुका राजपूत हैं, अलवर क्षेत्र के नरुका हैं, उनकी आराध्य देवी है करणी माता। और ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र में नरुका राजपूतों का एक बड़ा ठिकाना रहा है, और वो ठिकाना रहा है लावा ठिकाना। कौन सा ठिकाना? लावा ठिकाना ढूंढाड़ के टोंक जिले में पड़ता है साहब। इस लावा ठिकाने की जो आराध्य देवी है वो तो है शिला देवी, और अलवर रियासत की जो आराध्य देवी है वो है करणी माता। तो अगर शेखावतों की आराध्य देवी पूछे तो शिला देवी, राघव राजपूतों की आराध्य देवी पूछे तो शिला देवी, नाथावत राजपूतों की शिला देवी, खंगारोत राजपूतों की शिला देवी, खंगारोत शिला देवी के साथ साथ ज्वाला देवी, जोबनेर इनकी रियासत रही, और जोबनेर में ज्वाला माता का शिला देवी के साथ साथ ये उनको भी मानते हैं। राजावत और नरू का, इन सब की जो आराध्य देवी है, इष्ट देवी है, वो कौन है? शिला देवी। अगर इन्हीं शाखाओं या इसी वंश की आपको कुल देवी पूछ ले तो, इनकी कुल देवी पूछे तो आपको करणी माता की छोटी बहन रामाबाई, जिनको आज किस नाम से जाना जाता है? जमवाई माता। क्या बतानी? जमवाई माता। और जमवाई माता का ये देख ही लिया होगा आपने, सर नोट कर लिया होगा, शेखावत, राघव, नाथावत, खंगारोत, राजावत, नरुका, लावा ठिकाने के जो नरुका राजपूत हैं उनकी आराध्य देवी शिला देवी है, जबकि अलवर रियासत के जो नरुका हैं उनकी आराध्य देवी है वो करणी माता है। और इनकी आराध्य देवी के अलावा कुलदेवी पूछे तो कुलदेवी कौन बतानी? जमवाई माता। साहब जमवाई माता का मंदिर कहाँ है? ये साहब जमवाई माता का मंदिर, और जमवाई माता का मंदिर जिस जगह है वह जगह है जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ जिला जयपुर में, तहसील भी जमवा रामगढ़ ही पड़ती है। इसी जमवा रामगढ़ का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम था, वह प्राचीन नाम था माच। क्या नाम था? माच। और यहीं पर इनकी कुलदेवी का मंदिर बना हुआ है, क्योंकि ये जो कछवा वंश के जो राजपूत हैं, भगवान श्री राम के जो छोटा बेटा था कुश, कुश की संतान है, कुश के वंशज हैं, कुश के संतान कहलाए कुशवा है, कुशवाह से बिगड़ करके अपभ्रंश होकर के शब्द बना कछवा है। तो ये भगवान राम के बेटे कुश के वंशज होने की वजह से कुशवा, कुशवा है, कछवा है, कुशवा है के नाम से जाने जाते हैं। तो जब ये माची गांव में इन्होंने अपनी सबसे पहले राजधानी दोसा बनाई, दोसा के बाद में इनकी राजधानी माच रही, और माच को ये राम के वंशज होने की वजह से इन्होंने क्या नाम दिया? राम के नाम पर रामगढ़। और यहीं पर ये जमवाई माता का मंदिर बनाया। अगर पूछ लिया जाए कि जो माच या जमवा रामगढ़ में जो मंदिर है जमवा माता का, इसका निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता बताना दूल्हे राय। किसको बताओगे? दूल्हे राय, जिसको धोला राय भी कहते हैं, धोला राय भी कहते हैं, इसी को साल्व कुमार भी कहते हैं, साल्व कुमार भी कहते हैं, और इसी को ढोला भी कहते हैं। जी हां, बिल्कुल वही डोला जो किसका प्रेमी था? मारू का।
डोलो मारो अलवर सू आयो रे बिचिया बाजना ल्यायो। डोला और मारू की जो प्रसिद्ध प्रेम कथा है, यही डोला नरवर का राजकुमार था। पुंगल की राजकुमारी मारवणी या मारू से मिलने जब गया, नरवर मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश से जब ये ढूंढाड़ के क्षेत्र से होकर पुंगड़ बीकानेर में पड़ता है, मध्य प्रदेश से जो पुंगड़ जाएगा स्वाभाविक है ढूंढाड़ से होकर निकलेगा। अपने ऊंट पर बैठकर जब इधर से निकला और साहब इस क्षेत्र को देखा, बड़ा सरसब्ज है, बड़ा उपजाऊ इलाका है और ढोला का मन आ गया इस क्षेत्र पर। और जब वह मालवणी को या अपनी सॉरी मारवणी को, मालवणी दो पत्नियां थी, मालवणी और मारवणी, मारवणी को लेकर के या मारू को लेकर के गया, वापस आता है और इसी क्षेत्र पर अपना राज अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए आक्रमण करता है और धीरे 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 ये यहाँ प्रसार करता और नरवर से अपनी कुलदेवी की मूर्ति लेके आता है और उस मंदिर का निर्माण करवाता है। दूल्हे राय, ढोला राय, साल्व कुमारिया ढोला। और याद रखना इन सभी शाखाओं की जो भी मैंने लिखी थी, शेखावत, नाथावत, राजावत, राघव, खंगारोत, नरुका, इन सब की कुलदेवी याद रखना। आराध्य देवियां कई हो सकती है, कुलदेवी एक ही होती है। कुलदेवी एक है और वो कुलदेवी कौन है? जमवाई माता। जमवाई माता का मंदिर कहाँ है? जमवा रामगढ़ जिला जयपुर में। इस जमवा रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? माच। और ये जमवा रामगढ़ या माच में जो इसके मंदिर का निर्माण करवाया वो किसने करवाया? दूल्हे राय, ढोला राय, साल्व कुमार या मारू के प्रेमी ढोला ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन अपने बात चल रही जमवाई माता के साथ चर्चा होली, अब यहां पर बात करते हैं अपन शिला देवी की, जो कछवा वंश के राजपूतों की इष्ट देवी है, कछवा वंश के राजपूतों की आराध्य देवी है। आइएगा इनको अपन विस्तार से परिचर्चा करते हैं। तो मैंने जैसे जमवा ये शिला देवी की हेडिंग डाली तो मैंने एक दोहा आपको सुनाया था, सांगानेर को सांगो बाबू, सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान और आमेर की सल्ला देवी लयो राजा मान। आज भी ढूंढाड़ में दोहा चलता है। तो ये सब मूर्तियां जो है, सांगा बाबा हो, चाहे आमेर की सल्ला देवी हो, चाहे चांदपोल में जो जयपुर में हनुमान जी का मंदिर है ना, ये सारी प्रतिमाएं कौन लेके आया था? मानसिंह प्रथम, जो आमेर के राजा थे। अगर ये स्पेशल प्रश्न आ जाए कि ये शिला देवी कछवा वंश में आमेर के किस शासक की आराध्य देवी थी, तो याद रखना मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम कहां के राजा साहब? आमेर की इष्ट देवी। ये इष्ट देवी किस प्रकार से हुई साहब? पहले तो इसके नरबली भी चढ़ती थी, आएगा पूरा विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। मानसिंह प्रथम जब बंगाल अभियान पर गया, अकबर ने जब इसको बंगाल अभियान पर भेजा, तो बंगाल के राजा थे जिनका नाम था केदार नारायण सिंह। क्या नाम था? केदार नारायण सिंह। सारा का सारा इसने करीब करीब बंगाल जीत लिया, लेकिन जो बंगाल की राजधानी थी वो थी ढाका। आज भी जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका है। ढाका की मलमल बड़ी फेमस है। मलमल एक कपड़ा होता है जो बड़ा महीन होता है, और मलमल का पूरा एक थान आप समेट के माचिस की डिबिया में रख सकते हो। पूरा का पूरा मलमल का थान जो ढाका में बनती है उसका पूरा थान समेट के माचिस की डिबिया में रख सकते हो। इतनी गजब की मलमल आती है। और वो मलमल कहां की आती है? ढाका, बंगाल की, बांग्लादेश की। और इस मलमल के साफे बनते थे, पगड़ियां बना करती थी पहले। करीब करीब बंगाल जीत लिया, लेकिन ये ढाका को नहीं जीत पाया मानसिंह। मानसिंह ने बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, लेकिन ढाका को जीत नहीं पाया। आखिर में पता चला इसको कि इस केदार नारायण सिंह की एक इष्ट देवी है। इष्ट देवी का नाम क्या है? शिला देवी। और इस शिला देवी के मंदिर में रोजाना केदार नारायण सिंह एक नर बलि देता है, और इसी से ये शिला देवी प्रसन्न रहती है और प्रसन्न रहकर इसको अखंड राज्य का आशीर्वाद देती कि जा, तेरा राज्य कभी खंडित नहीं होगा, तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, हमेशा तू विजेता ही रहेगा। अब मानसिंह का पूरा ध्यान किधर डाइवर्ट हो गया? बाढ़ में गया सैनिक अभियान आक्रमण करना।
जब देवी माँ खुद नहीं चाहती कि मैं जीतूं तो मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मैं जीत सकूं। उसका ध्यान लग गया कि यार शीला देवी का आशीर्वाद है तो हराना संभव नहीं है, हराएं तो कैसे हराएं। तो केदार नारायण सिंह के जो पुजारी थे, पुजारी बड़े लालची थे जो शीला देवी की पूजा करते थे, मान सिंह ने इनको लालच दिया, उनको कुछ नैतिकता जगाई कि मूर्खो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, देवी को नर बलि चढ़ाते हो और तुम्हें ऐसा आना चाहिए तुम्हें भैंसे की बलि चढ़ाओ। तो उन्होंने तैयार नहीं हुए तो उनको 5,000-4,000 रुपए रिश्वत के देते, बोले ये रिश्वत पकड़ो और तुम तो भैंसा चढ़ाओ। उसको पता था ये नरबली देने की वजह से राजी रहती, हालांकि परंपरा गलत थी, ये कथाएं चलती है, मैं भी इसका विरोध करता हूं, बलि होनी नहीं चाहिए, क्यों नरबली हो क्यों पशु बलि हो, लेकिन ये लोक कथाएं हैं, मैं जब पढ़ाता हूं ये विषय रहा है जिसका मैंने अध्ययन किया है तो ये आपको बताना भी एक लाजमी होता है। अब साहब राजा को इसको जब पता चला पुजारियों को कि यार राजा ने रिश्वत भी दे दी, ठीक है मानसिंह ने रिश्वत दे दी, तो उन्होंने भैंसा चढ़ा दिया। तो कहते हैं आप हमेशा देखा करो देवी की, देवता की जो प्रतिमा होती है हमेशा मंदिर में यूं सामने होती है, शीला देवी की जो प्रतिमा है सामने नहीं देखती बल्कि यूं देखती हुई प्रतिमा है। जिस किसी ने आमेर के किले में शीला देवी के दर्शन किए हैं गौर से देखना, शीला देवी की सम्मुख प्रतिमा नहीं बल्कि यूं गुस्से में मुंह टेढ़ा कर रखा है। कहते हैं जैसे ही वो भैंसा बलि के लिए खड़ा किया गया देवी नाराज हो गई, रुष्ट हो गई, उसने मुंह घुमा लिया और अगले ही आक्रमण में मान सिंह जीत गया और केदार नारायण सिंह हार गया, क्योंकि यहां पर मान सिंह की युक्ति काम आई। अब साहब केदार नारायण सिंह जैसे ही हारा और केदार नारायण सिंह के हारते ही मान सिंह ने कहा कि साहब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तेरी देवी की प्रतिमा चाहिए। बंगाल के राजा केदार नारायण सिंह को पराजित कर, एक तो केदार नारायण सिंह की बेटी से शादी की मान सिंह ने, कनकावती नाम था उसका, उससे शादी की और शादी करने के साथ ही साथ ये प्रतिमा भी ली पराजित कर। यह है प्रतिमा दहेज में लाया साहब, किसमें लाया, दहेज में लाया। कहां से लाया, बंगाल से लाया। बंगाल के किस राजा से लेके आया, केदार नारायण सिंह। पूरी की पूरी एक चट्टान पर बनी हुई है देवी की प्रतिमा, और राजस्थान में चट्टान को शिला कहते हैं, क्या कहते हैं, शिला। उस शिला को खोदकर बनाई गई वो प्रतिमा दुर्गा माता ही है, ये 8 भुजाओं वाली दुर्गा माँ है जो महिषासुर का मर्दन कर रही है, जैसे मैंने जीर्ण माता में बताया था वही अष्टभुजी महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा है, और शिला को खोद के बनाएगी, इसलिए उस दुर्गा माँ को वहां पर क्या कहा जाता है, शिला देवी कहा जाता है। याद रखना शिला देवी की प्रतिमा कौन लेके आया, आमेर का राजा मानसिंह प्रथम लेके आया। आमेर का राजा मानसिंह प्रथम की इष्ट देवी कौन, शिला देवी। कछवाहा राजवंश की राधे देवी कौन, शिला देवी। शिला देवी की प्रतिमा कौन लेके आया, मानसिंह प्रथम। कहां से लेके आया, बंगाल या ढाका से लेके आया। किसको युद्ध में पराजित करके, बंगाल के राजा केदार नारायण सिंह को पराजित करके लेके आया। ये कौन से वंश की आराध्य देवी है, कछवा वंश के राजपूतों की आराध्य देवी है साहब। अच्छा कछवा वंश के राजपूतों की कुलदेवी कौन, कछवा वंश के राजपूतों की कुलदेवी जमुआई माता है। जमुआई माता का मंदिर कहाँ है, जमुआ रामगढ़ में है। जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर किसने बनवाया, दूल्हे राय, धोला राय, साल्व कुमार या ढोला ने बनवाया। अब देखते हैं साहब, अच्छा कछवा वंश की शाखाएं कौन सी, शेखावत, नाथावत, राजावत, खंगारोत, राघव, नरूखा। शीला देवी के बारे में पूछ ले कि कौन सी रियासत, तो अपने को क्या बतानी, आमेर। कालांतर में आमेर से राजधानी कहां पर स्थानांतरित हो गई थी, जयपुर। आमेर या जयपुर रियासत की राजवंश कह दो, चाहे यहां के राजाओं की कह दो, राजवंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी बताइए। जयपुर के कछवा वंश की इष्ट देवी कौन, शीला देवी। अब आते हैं साहब शीला देवी माता का मंदिर, बोले शीला भवानी की जय हो। ये है साहब शीला माता का मंदिर। शीला देवी का मंदिर कहां है, आमेर के किले में। कहां पर है,
आमेर किले में, और आमेर किला किस जिले में पड़ता है? जयपुर जिले के आमेर कस्बे में पड़ता है साहब। यहां पर कैसी है? अष्टभुजी प्रतिमा है। ये तो पहले ही क्लियर हो चुका, अष्टभुजी यानी आठ हाथों वाली अष्टभुजी काले पत्थर की, काले पत्थर को सालिग्राम पत्थर भी कहते हैं, काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा ही कली हो गई थी, मर्दिनी की प्रतिमा है, यानी कि दुर्गा की ही प्रतिमा है। दुर्गा को यहां किस नाम से पूजा जाता है? शिला देवी के नाम से। पत्थर कैसा है? काला है। भुजाएं कितनी है? आठ है। किस राक्षस को मार रही है? महिषासुर का सिंह पर विराजमान है। याद रखना इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है वाम मार्गी पीठ है साबी, बलि भी चढ़ती है जैसा अपने पहले जिक्र किया, तो यहाँ चक्कर भी होता है, बलि में चक्कर, तो यहाँ धार भी चढ़ती है, धार मीन्स शराब चढ़ाई जाती है, शराब व जल। अगर कोई दक्षिण मार्गी है जो शराब का सेवन नहीं करता है तो वहां पूजा के बाद में चरणामृत के रूप में दोनों चीज मिलती है। दक्षिण मार्गी आराधना करने वाला है शराब का भी चरणामृत दिया जाता है, शराब लेना चाहो तो शराब लो, पानी लेना चाहो तो पानी लो, शराब व जल का चरणामृत भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है, भक्तों की इच्छा अनुसार जो आप लेना चाहो। ज्यादातर कौन से होंगे आप में से, कमेंट करके बताना इनमें से अगर कोई चरणामृत देना चाहिए तो आप ये वाला चरणामृत लोगे या ये वाला चरणामृत लोगे। भक्तों को इच्छा अनुसार दिया जाता है। बताइए राजस्थान में देवी का ऐसा कौन सा मंदिर में है जिसमें भक्तों की इच्छा के अनुसार जल का भी चरणामृत दिया जाता है तो शराब का भी चरणामृत दिया जाता है। और आज भी प्रतिमा उसी अंग में, उसी आसन में, उसी भाव मुद्रा में खड़ी है, रुद्र रूप है, गुस्से वाला रूप है और मुंह वैसा का वैसा टेढ़ा है क्योंकि वो सामने वैसा खड़ा कर दिया गया था। तो याद रखना ये जयपुर या आमेर रियासत के राजवंश या जयपुर या आमेर के राजाओं की इष्ट देवी रही, आठ भुजाओं वाले काले पत्र की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है, आमेर किले में ये मंदिर है, इस मंदिर में शराब व जल दोनों का चरणामृत भक्तों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। आपने इसका आवश्यकता के अनुसार चाहिए तो नोट्स बना लिए होंगे, और नोट्स तो क्या बना रहे होंगे बड़े बड़े डेढ़ होशियार, तो हमने स्क्रीन शॉट लिया होगा सीधा ही, है ना। एक और ध्यान रखना, इस मंदिर में एक नहीं बल्कि इस मंदिर में दो प्रतिमाएं हैं। कितनी प्रतिमाएं हैं? दो प्रतिमाएं, प्रतिमा नंबर एक शिला देवी महिषासुर मर्दिनी और प्रतिमा नंबर दो किसकी है? आपके कमेंट ही आना बंद हो गए, हो सकता है शायद यहां से जो जिन्होंने सेटिंग कर रखी उन्होंने बंद कर दिया होगा। दूसरी प्रतिमा है, हो सकता है आप अपने स्तर पे कर सको तो करना, देखिए क्या पता बाद में भी वो सामने आ जाए तो मैं करूंगा। दूसरी जो प्रतिमा है वो किसकी है? हिंगलाज माता। याद रखना इस मंदिर में दो प्रतिमा है, एक प्रतिमा शिला देवी की है तो दूसरी किसकी है? भगवान श्री राम की इष्ट देवी। बताइए भगवान श्री राम की इष्ट देवी कौन थी? भगवान श्री राम की इष्ट देवी थी हिंगलाज माता। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय के उपरांत अयोध्या का राज संभाला। अयोध्या का राज संभालने के बाद में एक ऐसी घटना हुई कि वो एक जो उनका प्रजा का सदस्य था उसने वो ताना मार दिया वो सीता जी के बारे में, तब सीता का परित्याग करना पड़ा। भगवान श्री राम ने सारे पंडितों को इकट्ठा करके पूछा कि हे विद्वानों, हे विप्रो, बताइए ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया कि जिस सीता के लिए मैं रावण जैसे योद्धा से लड़ गया और वह सीता जब मुझे प्राप्त हुई मैंने उसका त्याग कर दिया, उसे वनवास दे दिया, उसे देश निकाला दे दिया, ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ? तो उन संतों ने बताया कि आपसे जो अपराध हुआ है वो अपराध है ब्रह्म हत्या का, क्योंकि रावण विश्ववा ऋषि के संतान था, विश्ववा ऋषि का बेटा था, ब्राह्मण था रावण,
आपने एक ब्राह्मण का वध किया है और ब्रह्म हत्या के पाप के निवारण के लिए आपको अपनी कुल देवी की पूजा करनी पड़ेगी। मित्रों, आप सभी से आग्रह करता हूं, जो भी आप सभी अलग अलग जातियों के हैं और सब जाति की कोई ना कोई कुल देवी जरूर होती है। कुल देवता किसी का नहीं होता, आराध्य देवता होता है, लेकिन कुल की देवी होती है। जो बात आदमी अपने बाप को नहीं बता सकता वो माँ के सामने रो सकता है, माँ को अपनी पीड़ा दुख दर्द बता सकता है। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण चाहते हो तो अपनी कुलदेवी की पूजा जरूर करो। जो अपनी कुलदेवी की पूजा करेगा वो निश्चित रूप से उसके सारे विघ्नों को वो कुलदेवी हर लेगी और सारी जिंदगी में सुविधाएं सुविधाएं भर देगी। जब भगवान श्री राम को बताया कि आप एक उपाय है ब्रह्म हत्या के पाप से निवारण के लिए, आप अपने कुलदेवी की पूजा कीजिए, और साहब उन्होंने कुलदेवी की पूजा की, इसी परिणाम स्वरूप सीता सहित उनके दोनों पुत्र लव और कुश उन्हें वापस प्राप्त किए। हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? ल्यारी, ल्यारी तहसील है, लास बेला जिला पड़ता है, राज्य है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान देश है वो दुष्ट पाकिस्तान, और यहीं पर एक चंद्रकूप नाम का पर्वत है। चंद्रकूप पर्वत है जो हिंगोल नदी के किनारे पर है, और उसी चंद्रकूप पर्वत की गुफा में हिंगलाज माता का मंदिर है। भगवान श्री राम भी इस चंद्रकूप की गुफा में गए और अपनी कुलदेवी हिंगलाज माता की स्तुति की। भगवान श्री राम ने उस गुफा के ऊपर एक चंद्रमा का और एक सूर्य का चित्र बनाया जो आज भी उस गुफा पर अंकित भगवान श्री राम के द्वारा बनाए गए। रचा राम रा दोई चित्रा मरूड़ा जिका दो कबा का जे आवे जमाता आपा पाप थावे। बड़ा अद्भुत छंद है, मैं कभी सुनाऊंगा, कभी मिल बैठेंगे तो। चंद्रमा और सूर्य का चित्र बनाया और भगवान श्री राम ने जो हिंगलाज माँ की स्तुति लिखी वो आज भी हिंगलाज माँ के मंदिर में वही आरती गाई जाती है जो राम जी ने लिखी। भगवान श्री राम कभी भी थे, बहुत अच्छी स्तुति हिंगलाज माँ की उन्होंने लिखी कि प्रचंड दंड बाहु चंड जोग निंद्रा भैरवी भुजंग केश कुंड लाए कंटला मनोहरी निकंद काम क्रोध काल देते तेज गर्जनी नमस्ते मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी रक्त सिंह आसनी सावधान शंकरी कुठार खड़ग खप्रदार कर दलन महेश्वरी निशुंब शुंब रक्त बीज देते तेज गर्जनी नमस्ते मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी नमस्ते मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। बड़ा छंद है, 8 बंद है इसके, फिर कभी मिल बैठेंगे तभी सुनाएंगे। तो याद रखना, जो शीला देवी का मंदिर है आमेर के महलों में, आमेर के किले में, उसमें 2 प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा शीला देवी की है तो दूसरी प्रतिमा हिंगलाज माता की है। अब अगर पूछ लिया जाए इस मंदिर का निर्माता कौन, सीधी सी बात है, निर्माता भी वही होगा जो मूर्ति लेके आएगा। कौन था? अमेरिका राजा मानसिंह प्रथम ने शीला देवी का मंदिर बनवाया। इसी मानसिंह की इष्ट देवी थी ये प्रतिमा, ये बंगाल से लेके आया। और जिन्होंने इन कमेंट्स को बैन कर रखा है उस बंधु से मैं एक बार आग्रह करता हूं कि आप कमेंट्स खोल दें तो मैं इन बच्चों से बात कर सकता हूं। ये बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं, शायद इधर आ रहे होंगे। कैलाश बलाई राम राम, राकेश कुमावत, ऋषिकांत जाट, राजकुमार जाट, दादा ठाकुर, इंद्राज मीणा, सर प्रोग्राम की आप कहानी बताना। बिल्कुल बाईसा, यूं गेला मत बनाओ गुरुजी। कहीं गेला बना दिया भाई, के बावड़ा बना दिया ना भाई, बाईसा कोई गेला कौन बनाया। राहुल लखेरा गुड आफ्टरनून, राकेश रमेश खोकर कह रहा पढ़ाओ, मस्त पढ़ा रहे हो, संतोष ड्यूटी करे, हेमलता जीनगर क्लास कंटिन्यू, सागर सिंह मैं भी वहाँ पढ़ा हूँ, राम राम, गुड इवनिंग, इंद्राज मीणा, दिनेश मकवाना, जय जय राजस्थान, सभी को नमस्कार। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। इधर भी वही आ रहा, जय जय राजस्थान, उधर भी बिल्कुल, शायद लास्ट में डागोस से समथिंग यहीं पर रुका हुआ। आइए मित्रों आगे चलते हैं। शीला देवी के बारे में आप कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर नहीं सकते, पता नहीं क्या कोई तकनीकी प्रॉब्लम आई है,
लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मेरा मानना है आप संतुष्ट हैं शीला देवी के बारे में, मैंने विस्तार से अध्ययन करवा दिया है। और अगर आपके कमेंट खुले होते तो और भी कमेंट करते और अपन और भी इनके बारे में जो गहराई से जानकारियां होती वो प्राप्त करते। तो आज हमने इस कक्षा में जीर्ण माता की जो छुट्टी भी चर्चाएं थी, जीर्ण माता क्या, जीर्ण माता के इर्द गिर्द के जो हर्षनाथ महादेव की, हर्षनाथ भैरव जी की, हांडे बड़ंगनाथ जी की समाधि की चर्चाएं पढ़ने की, उसके अलावा साथ में हमने कछवा वंश की कुल देवी और आराध्य देवी दोनों की चर्चा की। कछवा वंश के राजपूतों की जो कुल देवी है वो कुल देवी कौन, जमवाई माता, जिनका मंदिर जमवारामगढ़ में है, मंदिर दूलेराई ने बनाया। कछवा वंश के राजपूतों की इष्ट देवी शीला देवी है, जिनका मंदिर आमेर किले में है और इस मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने कराया। इस किले में दो प्रतिमाएं हैं, इस मंदिर में दो प्रतिमाएं हैं, एक शीला देवी की, एक हिंगलाज माता की प्रतिमा है। और इस मंदिर में शराब और जल दोनों का, यानी कि दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी दोनों पद्धतियों से पूजा होती है और भक्तों को जैसा पसंद आता है वैसा ही उन्हें चरणामृत दे दिया जाता है। शीला देवी जयपुर कह दो चाहे आमेर कह दो, जयपुर या आमेर रियासत की इष्ट देवी या आराध्य देवी है। आइए बच्चों कुछ बातें और करते हैं, कुछ चर्चाएं और करते हैं। शीला मैया की जय हो। जैसे हमने जीर्ण माता की चर्चा की तो मैंने आपको एक बात बताई कि जीर्ण माता निर्वाण चौहानों की कुल देवी हैं। साथ में मैंने ये भी चर्चा की थी चौहान वंश की कई शाखाएं, जैसे अभी मैंने कछवा वंश की शाखाएं बताई, तो आइएगा चौहान वंश की अन्य शाखाएं कौन कौन सी है और उनकी कुल देवियां कौन है उनके बारे में अपन जानते हैं। साकंभरी माता, कौन सी माता, साकंभरी माता, इसके तो आंगली भी टच कर दो तो आंगली से भी लिख सकते हैं, कितना बढ़िया आराम है। पुओ लागियो ना पापड़ी धड़क दे बुआ पड़ी, सही कौन लागे ना हाथ काला वे। आइएगा साकंभरी माता के बारे में अपन पढ़ते हैं। और मित्रों साकंभरी माता है चौहानों की कुल देवी। यार आपके कमेंट नहीं दिख रहे वरना मजा आता है, मैं पूछता आपको इस समय कि मैं केवल उसी हिसाब से पढ़ाऊं जैसा आपके कंपटीशन में आता है। जैसे मैं लोक देवियां पढ़ा रहा हूं अभी तक 7 वीडियो लोक देवियों के अलेर, अपने 3 लोक देवियां पढ़ी हैं, अपने विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा अगर अपन कंपटीशन के हिसाब से करें तो एक दिन में पूरी देवियां हो सकती है, क्योंकि लोक देवियों में चाहे कोई सी परीक्षा हो ज्यादा से ज्यादा एक प्रश्न आता है, उस हिसाब से बढ़े तो एक दिन में भी अपन पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पूर्णता के साथ जब अध्ययन करते हैं कुछ नहीं छूटता। शिक्षा का उद्देश्य ना केवल कुछ जानकारियां रटाना होता है बल्कि बुद्धिक विकास करना होता है। जीवन का संपूर्ण विकास जो है वही शिक्षा है। और इसी उद्देश्य के साथ में ये इतनी ज्यादा विस्तार के साथ आपको दी जाती है। आइएगा अपन दोनों तरीकों से पढ़ लेते हैं जो आपको पसंद आए। चौहानों की कुल देवी, चौहानों में एक शाखा थी निर्वाण, निर्वाण चौहानों की तो जीर्ण माता है ही, इसके अलावा देखिएगा और कौन कौन से चौहान, सोनगरा, देवड़ा, सोनगरा, देवड़ा, सांभरिया, पूरबिया, खींची, ये सब चौहानों की शाखाएं हैं। हाड़ा, हाड़ौती में जिन्होंने राज किया वो हाड़ा, हाड़ा भी चौहान थे। गागरौन में जिन्होंने राज किया वो खींची, खींची भी चौहान थे। पूरबिया जो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के आसपास रहते हैं वो पूरबिया कहलाते हैं, यानी कि राजस्थान से जो पूरब दिशा में चले गए वो क्या कहलाए, पूरबिया। जिनकी उत्पत्ति सांबर से भी है, जिन्होंने सांबर में या सपादलक्ष में सबसे पहले बताया, चैमान ने जो साम्राज्य की स्थापना की वो सांबर में की, वो सांबरिया कहलाते हैं। देवड़ा वाटी जिसको सिरोही कहा जाता है वहां देवड़ाओं का शासन रहा, वो भी चौहान है। और सोनगरा,
जो सोनगढ़ का किला है, स्वर्णगिरी किला है, जो जालोर का किला है, उस पर राज करने की वजह से क्या कहलाए, सोनगरा। ये चौहानों की शाखाएं हैं। चौहानों की शाखा निर्वाण की कुलदेवी जीण माता, इसके अलावा पूछे सोनगरा, देवड़ा, सांबरिया। सांबरिया वे चौहान कहलाते हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान, हमीर, हटीला जो हुए वो यही हैं। पूरब या जो उत्तर प्रदेश में चले गए, खींची गागरोन वाले, हाड़ा हाड़ोती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के जो हाड़ा राजपूत हैं या हाड़ा चौहान हैं, उन सब की जो कुलदेवी है वो कौन है, साकंबरी माता है। मेरे लिए इधर इशारा आ गया है कि कृपया आज की कक्षा बंद की जाए। तो मित्रों, इन शेष जानकारियों को हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक चाहता हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार, जय सियाराम।